नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द IQ ट्रेडर्स में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल का डेमो दे दूंगा और ये शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स की। यदि आप ट्रेडिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, अब तक आप नहीं करते हैं और आप ट्रेडिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं अपने, तो किस फॉर्मेट में मैं ट्रेडिंग रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ मैं आपको वो शीट शेयर कर दूंगा, उसका डेमो आपको दे दूंगा। सो दैट कि अगर वो शीट आपको अच्छी लगे तो आप अपना शीट डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन से शीट डाउनलोड करके आप अपना ट्रेडिंग जर्नल या ट्रेडिंग रिकॉर्ड बना सकते हैं और उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको शीट दिखा देता हूं। दोस्तों ये ट्रेडिंग रिकॉर्ड की शीट है जो मैं यूज करता हूं और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल के दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहां हम एक्सपायरी डेट लिखते हैं, यहां इंस्ट्रूमेंट बैंक निफ्टी निफ्टी क्या है वो लिखते हैं, ऑप्शन टाइप में कॉल या पुट आप कुछ भी लिख सकते हैं, कौन सी स्ट्राइक्स के लिए आप यूज कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। दोस्तों मैं ये शीट मैंने चार हिस्सों में बनाई है, ऑप्शंस, फ्यूचर, इक्विटी और ब्रोकरेज, यहाँ चार शीट आपको मिलती है। तो ऑप्शंस में सबसे पहले ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ट्रेड डेट में ये येलो नजर आ रहा है, ये ट्रेड डेट है, इसमें ये येलो नजर आ रहा है, इसका मतलब ये ब्लैंक रहेगा तो ये येलो रहेगा, इसका मतलब यदि मेरी कोई पोजिशन ओपन रहेगी तो वो मुझे इस येलो मार्क से नजर आ जाता है। यहाँ आप लॉट साइज लिखेंगे, यहाँ बाइंग क्वांटिटी आपने कितने लॉट बाय किए हैं या सेल बाय किए हैं वो लिखेंगे और कितनी वैल्यू पे बाय किए हैं। ये दोस्तों फॉर्मूला है, ऑटोमेटेड है, जो ये कलर्ड है ये फॉर्मूले हैं और जो ये येलो है ये स्पेस, ट्रेड डेट फिर से ये ब्लैंक है तो ये आपका येलो रहेगा। स्क्वायर क्वांटिटी कितना आपने सेल किया है वो क्वांटिटी है, उसका प्रीमियम है, आगे ये कैलकुलेशन हो जाएगी, नेट की वैल्यू आ जाएगी। और ट्रेड टाइप ये इंट्राडे या पोजिशनल, दोस्तों जब ट्रेड डेट अगर दोनों सेम होंगी तो ये इंट्राडे दिखाएगा और ट्रेड डेट अगर चेंज होंगी तो ये पोजिशनल दिखाएगा। इस तरीके से आपको इंट्राडे या पोजिशनल पता चल जाएगा। दोस्तों ये पी और क्यू रोज में, पी और क्यू कॉलम्स में फॉर्मूले लगे हुए हैं रिलीज्ड और अनरिलीज्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो ये फॉर्मूले मैंने 500 तक तो नीचे कॉपी कर रखे हैं, अगर आपका ट्रेडिंग रिकॉर्ड 500 से नीचे जाए तो पी और क्यू में भी इन फॉर्मूलों को एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा। दोस्तों ये व्हाइट रखा हुआ है मैंने, आप इसको यहाँ से कलर करेंगे तो ये कलर फॉर्मेट में आ जाएंगे, तो मैंने यहाँ से इसे व्हाइट किया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ ऑप्शंस में आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं आपको एक डेमो दे देता हूं, जैसे मान लीजिए अभी 8 तारीख की एक्सपायरी थी, 8-10 इंस्ट्रूमेंट बैंक निफ्टी, ऑप्शन टाइप कॉल, स्ट्राइक मान लीजिए 23,000। तो यहाँ मैं अगर 8 तारीख को ट्रेड कर रहा हूँ तो मैंने 8 लिख दिया। दोस्तों जैसे यहाँ कोई डेट लिखेंगे या कुछ लिखेंगे या फिल करेंगे तो ये अपने आप इसका कलर चेंज हो जाएगा, इस तरीके से मैं आपको बता रहा था। तो आपके अगर यहाँ कोई भी स्पेस रह जाएगा, यहाँ कोई भी ब्लैंक रह जाएगा ट्रेड डेट में, जैसा कि आप कोई पोजिशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और ट्रेडिंग जर्नल बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये येलो मार्क से आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी लाइन अभी अनफिल्ड है। लॉट साइज बैंक निफ्टी का 25 होता है, मान लीजिए 1 लॉट बाय किया था हमने फॉर एग्जाम्पल 20 पे, दोस्तों ये ऑटो कैलकुलेट हो गया। और सेम डे यदि हमने इसको सेल किया 1 लॉट मान लीजिए 30 पे, ये कैलकुलेट हो गया दोस्तों सम और इसका नेट आ गया और ये वैल्यू आ गई इंट्राडे और यहाँ रिलीज्ड में भी वैल्यू आ गई 250, क्योंकि ये पोजीशन क्लोज हो गई है, ये वैल्यू रिलीज हो गई है तो ये रिलीज्ड में वैल्यू आ गई। इस तरीके से अनरिलीज्ड का एक सेम एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों यहाँ आप देखिए, अगर आपकी कोई पोजीशन ओपन है और आपने क्लोज नहीं की है तो पहली चीज तो ये येलो हो गया, येलो मार्क है जिससे मुझे पता चल रहा है पोजीशन ओपन है। दूसरा ये अनरिलीज्ड में वैल्यू आ गई -500, तो ये अनरिलीज्ड क्योंकि ये हमारी वैल्यू अनरिलीज्ड है इसलिए ये -500 आ गया। इस तरीके से ऑप्शंस में ये मेरी शीट बताती है मुझे कि ये कितनी वैल्यू मेरी रिलीज हो गई है, कितनी वैल्यू अनरिलीज चल रही है। और दोस्तों ये मैंने 3 तक आपको डेमो के लिए रखा है, आप हमेशा इसको इस लाइन को यहाँ तक क्यू तक कॉपी, क्यू और क्यू तो आप 500 तक ना कॉपी करें तो चल जाएगा, क्यू तक ये वो तक आप इसे कॉपी कीजिएगा और हमेशा आप नीचे इसको पेस्ट करते रहिएगा। ये शीट आप ऐसे पेस्ट करते रहेंगे, ये फॉर्मूले अपने आप कॉपी पेस्ट होते चले जाएंगे और आप अपना ट्रेडिंग जनरल बना सकते हैं। इसी तरह दोस्तों फ्यूचर्स की शीट में भी सेम रखा गया है, फ्यूचर्स में केवल रिलीज डेटा मिलेगा आपको और एन में फॉर्मूला है रिलीज की कैलकुलेशन के लिए। और इक्विटी में भी आपको सेम मिलेगा, इसमें रिलीज का मिलेगा और एल में आपका कैलकुलेशन रिलीज की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है जो 500 तक रखा गया है, पेस्ट किया हुआ है।
ब्रोकरेज की दोस्तों शीट है, इसमें ब्रोकरेज में तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑप्शंस के लिए ब्रोकरेज आपका ब्रोकर जिस अकॉर्डिंग भी ब्रोकरेज देता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ ब्रोकरेज डेट के हिसाब से लिख सकते हैं। फ्यूचर्स के लिए ये तीन पार्ट में है, आप इसे देख सकते हैं कैसे आप यूज करते हैं। ओवरऑल में यहाँ इस तरीके से रिलीज, ब्रोकरेज और नेट आ जाता है। और यहाँ आप अपनी कैपिटल डाल के परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए मेरी कोई कैपिटल है तो मैं उसका कितना परसेंटेज रिलीज में मुझे मिल गया है। दोस्तों इस तरीके से ये फाइनल कैलकुलेशंस हो जाती हैं और डे बाय डे हमें अपना परसेंटेज और अपनी वैल्यूज हमें पता चलती रहती हैं कि हमने कितना इसमें ट्रेड किया है। और इस तरीके से मैं अपना ट्रेडिंग जनरल बनाता हूँ। ये शीट आपको पसंद आए तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा हमारा चैनल। और मैं आप इंग्लिश में बता देता हूँ ये शीट फटाफट से कि ये कैसे मैंने बनाई है। So, hello friends, I welcome you all to our YouTube channel, IQ Traders. Friends, this sheet I made is for trading journal, for recording my trading records. My whatever I do in trading, I will record in the sheet. I have prepared the sheet in the four parts. That first part is option, the second part is future, the third part is equity, and the fourth is brokerage. So what I did is I am writing expiry date here. I'm writing like expiry date here. I am writing the instrument like Bank Nifty, Nifty, USD, INR, whatever I'm trading is I'm writing here. I am typing the option type like call or put, CE or PE. If I have selected the strike, I will write the strike here. So this trade date is marked yellow. Yellow is for blank. If we are having a blank position, the trade date column is marked yellow. So if this is blank, if this will be yellow. If I write some date here, it changes to white as the format here. So that means that if it is yellow, that means our position is open and we yet to consider that position on later. So next row is lot size, that is Bank Nifty lot size is 25. Next is buying quantity, whatever lots we have bought, like one lot, if I say that this is the premium what we used to buy, that is 20 value. So this buying amount is the formula. It is auto calculated. Now the trade date is 8th. Next trade date, if I square off that position on the same date, that is 8 October. Square up quantity same one lot, premium is 30. So these are auto calculated and the trade type is intraday. Friends, if I write here, if I change date here like 8 to 9, so that will convert to positional. That means ki if the trade dates for buy and sell are change, if the trade date for buy and sell are different, so we will have the mark as positional, and if the dates are same, we will have the mark as intraday. That means we can calculate our intraday and positional trades from here as well. The T and Q columns are having formulas which I pasted up to 500 rows. So this formula calculates the released and unreleased data. So what whenever if you are having more than 500 trading record for your purpose, so you can simply copy and paste the formula on the lower rows as well. So I have given this demo sheet in the description box. You can download it from the description link. If you have any query in using this trading sheet, you can also mail me at my mail ID, theiqtrader@gmail.com. This is the way I'm using this sheet. You need to copy data up to O4O, and you need to paste data. You need to paste this blank up to down sheet so that we can record our trading journal and we can have our view. For whatever our positions are open and closed, the data will come in released and unreleased in the way. Like in the future also, we have made the sheet, the same sheet we are made in futures. The released calculation is in the end row. For the equity, we also have made the sheet. We have made the same sheet, the released calculation in the L. And for the brokerages, we have made the three parts in the brokerages, like for the options, for the futures, and for equities. So whatever your broker is giving you report and in the format, you can use the format here and you can calculate in the total. So these overall total calculation is accomplished here. So we are having overall calculation here, that is the release calculation, brokerage and net.
वी कैन राइट अवर कैपिटल हेयर एंड वी कैन हैव अवर परसेंटेज ऑफ रिटर्न इन द शीट. तो दिस इज द ओनली सिंपली वे आई एम यूजिंग द शीट फॉर यूएस फॉर प्लान फॉर रिकॉर्डिंग माई ट्रेडिंग records. You can also use this sheet if you found it useful. You can also share this video with your friends. That's all. I finish my video. Thank you.